अब बता कहाँ जा रहा है? सिरसा। सिरसा में क्या है? हॉस्टल। किसका हॉस्टल? मेरा हॉस्टल। मेरा हॉस्टल, अब मेरा हॉस्टल भी होता था वो एक टाइम पे। रूहानी हम कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? स्कूल छोड़ने। किसको? ओ वाओ, आपको तो सब पता है भाई। आपको भी उधर ही छोड़ा है? किधर? हॉस्टल इनके। व्हाई? अच्छे से पढ़ाई करना वहाँ पे। नहीं। ओके तो भाई आज हम जा रहे हैं सिरसा। जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, ये उनका बेटा है मेहताब, ये वहाँ पे रहता है हॉस्टल में। और जो मेरा भाई है राहुल, उसका हमने एंट्रेंस दिलवाना है। तो भाई हम शॉर्टकट के लिए गांव में से होके जा रहे हैं, तो रास्ते में ये गांव मुझे दिखा जिसका नाम है लुक्खी। कुशेतर डिस्ट्रिक्ट में ही है। और भाई इसमें इतने खूबसूरत घर बने हुए हैं ना भाई, सब बता रहे हैं कि इसमें जितने लोग हैं ये सब बाहर गए हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ बुज़ुर्ग लोग ही रहते हैं और नौकर रखे हुए हैं आगे, बाकी सब लोग बाहर गए हुए हैं, NRI हैं सब लोग। और ये थोड़ा सा आगे जाके ही मुझे 5 कोठी बिल्कुल सेम टाइप की दिखाई दी। एक्चुअली 5 भाइयों की हैं और इनके पास बहुत सारी ज़मीन है, ऑलमोस्ट 500 किले, और बहुत अच्छी इन्होंने कोठियाँ बनाई हुई हैं खेतों के बीच में, पूरा अच्छे से बीच में रोड निकाला हुआ है। और अभी सीज़न चल रहा है तो रास्ते में आपको कंबाइन, ट्रैक्टर, ट्रॉली सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो अभी हम आ गए हैं कैथल, जहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ा एक ब्रेक ले लेते हैं, सिरसा बहुत दूर है। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं कैथल में ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि हम सुबह निकल गए थे बिना कुछ खाए ही। तो जी हम पहुंच गए हैं सिरसा, और ये सामने दिखाई दे रहा है हॉस्टल, और ये इतनी ऊंची दीवार है। ये अभी बॉयज़ हॉस्टल बन गया है, बॉयज़ स्कूल बन गया है, बट पहले ये गर्ल्स स्कूल होता था। और मैं भी यहाँ पे पढ़ चुकी हूँ, यहाँ पे हॉस्टल में 2 साल रह चुकी हूँ, तो मुझे सारी जगहें देख के इतनी सारी मेमोरीज याद आ रही हैं। कुछ भी नहीं बदला है, सेम कलर है, सेम गेट है, सब कुछ सेम है। बस ये है कि अभी यहाँ पे बॉयज़ रहते हैं, पहले गर्ल्स रहती थी। तो ये सामने में है स्कूल, जिसकी विंडो की शेप बिल्कुल ईयर्स के जैसी है। और ये है रोड हॉस्टल जाने का। और अंदर एंटर करते ही इतनी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। सेम है सारा कुछ, ऐसा ही स्ट्रक्चर था, यही सारा कुछ था, बिल्कुल सेम था। इन गलियों से, इन जगहों से हम इतनी बार निकले हैं, तो सब कुछ मुझे याद आ रहा है। और बहुत अच्छी फीलिंग है कि मैं आफ्टर लाइक 17 to 18 ईयर्स वापस आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अपने बचपन की सारी यादें यू नो वापस आ रही हैं। और ये है लाइब्रेरी, जिसमें हम कभी नहीं आए थे। और अभी हम जा रहे हैं वापस, राहुल का एंट्रेंस टेस्ट हो गया है। और ये पीछे में हमारी क्लास होती थी, लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर पे होती थी +1 में। और ये सामने में स्टेज है, और मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मैं तो अभी हम वापस जा रहे हैं, तो रास्ते में आता है नरवाना, जहाँ मेरे मामा जी रहते हैं। तो अभी हम उनके घर आए हैं,
और अभी अंधेरा हो गया इसलिए अच्छे से तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, बट इनका घर बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये दो घर साथ के साथ बने हुए हैं, एक ये है और एक सामने में है, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं इसमें तो एक घर में तो नहीं आएंगे ऑब्वियसली, तो इन्होंने बिल्कुल साथ के साथ दो घर बनाए हुए हैं। ये जॉइंट फैमिली है और बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, तो मेरा तो बहुत मन लगता है भाई इनके साथ, बहुत सारे बच्चे भी हैं इनके यहाँ, तो बड़ा ही मज़ा आता है इनके घर पे। रुक जा मोनू, रुक जा, ये तो देखने वाला है। मोनू मोनू देखे मेरी तरफ, क्या उठा के लाए, क्या उठा के लाए, दोबारा से एक बार और और भी लेके आएगा। चल फिर आ रही हूँ मैं, कहाँ है ये भी आएगा। रुहाने का तो मन लग गया अभी है नहीं, देखना ले मन लग गया इसका तो, रुहानी मन लग गया, चलो शुक्र है। कुछ नहीं मामा, घर की वीडियो बना रही हूँ। और ये मेरे मिडल वाले मामा जी हैं जो कि अभी योगा कर रहे हैं, अभी इससे पहले वाले क्लिप में थे वो सबसे छोटे वाले थे, जो सबसे बड़े हैं वो गांव में रहते हैं। कहाँ भाग रहे हो, इधर से निकलने की कोशिश कर। और इन सब में है भाई दूध, इनके घर खूब दूध दही होता है। बिलोनी बिलोनी, वाह जी वाह। और है कुछ जो मैंने कभी देखा सुना ना हो? देखो भाई इतने सारे लोग जा रहे हैं हमें छोड़ने, चल तू भी चल।